हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्र विद बी एम सर। तो साथियों, आज की बहुत ही मज़ेदार प्रपोजिशन है, वो है अपॉन। अपॉन का यूज़ करते हैं हम उछल कर किसी चीज़ के ऊपर जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। बिल्ली उछल करके टेबल के ऊपर आ गई। किसी चीज़ के ऊपर गति करते हुए ऊपर आ जाना, अपॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम के सेंस में। जब अपॉन की बात करते हैं तो एक फ्रेज में इसको यूज़ करते हैं, एक ओल्ड टाइम के लिए, पुराने समय को बताने के लिए। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग नेम्ड दशरथ, दशरथ नाम के एक राजा थे। तो एक बार की बात है, ओल्ड टाइम को बताने के लिए, किसी पास्ट टाइम को बताने के लिए अपॉन का यूज़ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सिस्टर्स मैरिज इज अपॉन अस। सिस्टर की मैरिज जो है वो आ रही है। अप्रोचिंग रैपिडली के सेंस में अपॉन का यूज़ किया गया है, कोई चीज़ जल्दी जल्दी आ रही है। कहते हैं बहन की शादी सिर पर आ रही है, तो यहाँ हम ऐसे नहीं कहते सिस्टर्स मैरिज इज अपॉन अवर हेड, हमारे सिर पर आ गई है। तो इसका मतलब है कि बहन की शादी सिर पर आ गई, कि जो जल्दी जल्दी आ रही है अपॉन अस, ये बात यहाँ पर कही जाती है। तो आज की प्रेपोजिशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।